हाँ जी दोस्तों, जब हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू फोर दिया हो और पूछे x स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। जी हाँ, पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर 1 सेकेंड में हो जाएगा। जब प्लस प्लस दिया रहे तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, जब प्लस माइनस दिया रहे तो प्लस लेंगे, जब माइनस माइनस दिया रहेगा तब प्लस लेंगे, जब माइनस प्लस दिया रहेगा तब प्लस लेंगे। हम ये देखते हैं कि केवल प्लस प्लस वाले पे माइनस लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर प्लस और प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस वाला ट्रिक कॉन्सेप्ट लगेगा और यहाँ पर प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर फोर दिया है ना, यहाँ पर फोर का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में टू दिया है ना, तो टू माइनस हो जाएगा, यहाँ फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 2 यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे दिया है एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर क्या होगा। जी हाँ, कॉन्सेप्ट हमारे हमारा यह कहता है कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 इक्वल टू यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर एक्स माइनस वन अपान एक्स दिया है इक्वल टू 4 दिया है, तो एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर जो हम बता दिए हैं माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट, माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट प्लस ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें क्या लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र जो लगेगा यहाँ पर प्लस का लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस का लगेगा, यहाँ पर 2 है ना, 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, +2 इक्वल टू 18 हो गया। जी हाँ दोस्तों, 18 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ जी दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। जी हाँ दोस्तों।